देखे बेटा, लास्ट क्लास में जो मेरी 15 मिनट्स की वीडियो थी, मैंने दो वीडियोस अपलोड करी थी, एक 15 मिनट की थी और एक शायद 35 मिनट्स के आसपास की थी। तो जो 15 मिनट्स की वीडियो है उसमें आपको यहाँ पे एंड होता हुआ मेरा एक लेक्चर दिखेगा। सबसे पहली बात, इसमें करेक्शन कर लो, कैलकुलेशन में एक छोटा सा एरर है। ये 9 × 3 यहाँ पे 27 होगा, ये मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे, तो दिस विल बी 27। पहले ये करेक्ट कर लीजिए, ये 27 होगा तो साथ में यहाँ भी 27 होगा, और ये जो आंसर है आपका बाद में 43 − 27 16 mg/43 N के बराबर बन जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा करेक्शन था, पहले तो उसको देख लीजिएगा। अब आज का लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा प्लीज। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम लोग टॉर्क के बारे में सीखेंगे, दैट मींस टॉर्क इज इक्वल टू आई इन टू अल्फा के बारे में सीखेंगे। अल्फा कैसे निकालना है वो सीखेंगे, या हम लोगों ने थोड़ा बहुत कल करा था या पिछले वाले लेक्चर्स में करा था। साथ में हम लोग काम करेंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पे, दैट मींस अब यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर वाला जो कंसेप्ट है, वर्क एनर्जी थ्योरम का जो कंसेप्ट है, वो भी थोड़ा सा यूज होना शुरू होएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। देखें क्या है कि मैंने पिछली बार तक आप लोगों को इतना समझा दिया था कि टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आई इन टू अल्फा बनता है। ठीक है, वो ये सामने लिखा हुआ है आप लोगों के, तो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी है, सो आर वेक्टर सॉरी आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी होता है हमारे पास। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम की बात यहाँ पे करी थी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा बाद में हम लोग सीखेंगे, इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। राइट नाउ बस इतना दिमाग में लेके चले, आप लोग सीख चुके हैं बोर्ड लेवल क्लासेस में, एल बराबर आई इंटू ओमेगा होता है, बोर्ड्स में हम लोग जानते हैं। तो टॉ इज इक्वल टू डी आई ओमेगा बाई डी टी, सिंस आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्स्टेंट होता है, तो डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग अल्फा लिखते हैं। ये हम लोग सर्कुलर मोशन से भी जानते हैं, ठीक है, और बोर्ड की क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो आपको टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, अलग से एक टॉपिक लेके चलेंगे एंगुलर मोमेंटम का, लेकिन वो थोड़ा बाद में। अब मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इतने टॉपिक में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि टॉर्क टॉ जिस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, से फॉर एग्जांपल ओ इज द एक्सिस या ओ इज द पॉइंट अबाउट व्हिच वी आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस ओ के अबाउट आएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपके आंसर्स गलत बनेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या डिस्कशन करना चाहता हूं। डिस्कशन मेरा इस चीज पे चल रहा है कि अगर मैं टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा लिखता हूं, दैट मींस टॉर्क अबाउट से पॉइंट ओ, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो अबाउट पॉइंट ओ, तो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू होता है हमारे पास आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। ठीक है, तो अल्फा निकालने के लिए आप लोगों को स्टेप क्या दिमाग में रखना है, सिंपल आर परपेंडिकुलर इनटू एफ बाय आई नॉट या आई ओ, दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। ये हम लोग कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा बस रिपीटेशन दे रहा हूं आप लोगों को, आगे और न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके थे। अब इसी के साथ साथ एक और चीज को दिमाग में डालें कि एटी दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है आर इंटू अल्फा, वेयर आर इज द रेडियस, ठीक है, एंड अल्फा इज द एंगुलर मोमेंटम एंगुलर एक्सेलरेशन। अब at is equal to r into alpha and ar that is the radial acceleration is equal to होता है या तो v square by radius या फिर होता है omega square into r। ये हमारे पास acceleration के दो datas बनते थे, ठीक है? तो इन दोनों का net बन के हमारे पास net acceleration आएगा। at is always acting along the tangential direction, ar is always acting towards the center, ठीक है? अब देखिए क्या है कि अगर आपने ये जैसे हमारे पास कोई रॉड है इस तरीके से, ठीक है, एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, और ये रॉड का पाइवट पॉइंट है, ठीक है, मैं रॉड का जो मास है वो m मान के चलूंगा, रॉड का जो लेंथ है वो l मान के चलूंगा, पाइवट पॉइंट यहां पे था और हमने कहा कि हमने रॉड को यहां से रिलीज किया, रिलीज, ठीक है, तो रॉड के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा था, मैं अगेन रिपीट ही कर रहा हूं एग्जांपल को, mg नीचे के डायरेक्शन में लग रहा था। अब mg अगर नीचे के डायरेक्शन में लग रहा था तो उसने सवाल में पूछा था बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना है, जो हम लोग निकाल चुके थे। अब होता क्या है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कई बार फिक्स पॉइंट बोल देते हैं या फिर कई बार हिंज पॉइंट कह देते हैं, ये वर्ड कॉमन रहता है हिंज पॉइंट, ठीक है, पाइवट पॉइंट भी कई बार काम में आता है। तो ये जो हिंज पॉइंट है, सवाल में कई बार पूछा जाएगा कि हिंज पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, ऐसा क्वेश्चन कहाँ किया था, ये वाला जो मैंने अभी 16 वाला यहाँ पे आपको बताया, उसमें आपने नॉर्मल रिएक्शन लगाया था, तो नॉर्मल रिएक्शन ही बेसिकली क्या था आपका, हिंज पॉइंट था। तो हिंज पॉइंट पहली बात तो होता क्या है या हिंज फोर्स होता क्या है, ऐसा ऐसा फोर्स जो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट लगेगा।
अब नेसेसरी नहीं है कि वो हर बार एग्जिस्ट करेगा, नंबर एक। नंबर दो, आपको हिंज पॉइंट की डायरेक्शन 99.9% केसेस में नहीं पता होती, तो हिंज पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो कैसे लेना है मैं पहले आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये जो रॉड थी और ये हमारा पाइवट पॉइंट था और सेंटर ऑफ मास पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स वेट mg लग रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये हमारा हिंज पॉइंट है तो रॉड इस तरीके से नीचे आएगी। अगर रॉड इस तरीके से नीचे आएगी तो रॉड के पास दो एक्सेलरेशंस बनेंगे, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा और एक रेडियल एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में होगा, रेडियल एक्सेलरेशन सेंटर के डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास at होगा, ठीक है। यहां बना लेते हैं, जस्ट अ मिनट, एक बार mg को मैं हटा रहा हूं, तो ये हमारे पास at होगा और इस डायरेक्शन में हमारे पास ar होगा, ठीक है। अब ar इस डायरेक्शन में, at इस डायरेक्शन में है और रॉड के ऊपर लगने वाला mg भी नीचे के डायरेक्शन में है, तो इस वाले पॉइंट पे सोच के देखो, अगर एक फोर्स रॉड के ऊपर नीचे लग रहा है तो ये पॉइंट फिक्स रहने के लिए वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स लगना नेसेसरी है। अगर वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स लगना नेसेसरी है तो एक हिंज फोर्स हमारे पास ऊपर के डायरेक्शन में आ गया, से दिस इज एन आर वन, क्योंकि हिंज फोर्स इज ऑल्सो रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आप एन आर वन नाम देना चाहते हैं या एन वन नाम देना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, जैसे भी आपको सूट करे। तो एन वन एक आ गया। अब एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और रॉड के पास मास है, तो इस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट नाउ कोई और फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हिंज फोर्स जो है वो एक और इस डायरेक्शन में भी एक्ट करेगा, से दैट इज एन टू। तो हिंज फोर्स हमेशा आपको लेने किस तरीके से है ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा। हिंज फोर्स आप लोगों को हमेशा at और ar के अलोंग लेने हैं। तो at नीचे लग रहा था, उसके ऑपोजिट या पैरेलल डायरेक्शन में n1 लिया मैंने, दैट इज अ हिंज फोर्स, और ar ऐसे लग रहा था तो n2 को मैंने इस डायरेक्शन में लिया, और किसी डायरेक्शन में हिंज फोर्स मत लेना। दीज आर द ओनली टू डायरेक्शंस इन व्हिच वी विल टेक द हिंज फोर्सेस। हिंज फोर्सेस आर ऑलवेज अज्यूम्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आर ऑलवेज टेकन अलोंग ar एंड at। अब at नीचे था तो ये मत, अब मैं अलोंग बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये मत सोचना कि at के डायरेक्शन में अपना n1 आएगा। mg नीचे लग रहा है तो मैंने क्या बोला था, हिंज फोर्स इज आल्सो अ रिएक्शन फोर्स, तो रिएक्शन कहां मिलेगी, ऊपर के डायरेक्शन में मिलेगी। अब ar ऐसे है और इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा बैलेंस करने के लिए, तो ओनली ar विल बी क्रिएटिंग व्हाट, n2। तो n2 इस डायरेक्शन में आ गया। तो इस तरीके से आपको हिंज फोर्सेस लेने हैं, आगे आने वाले एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा, पहले इसको डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। तो n1 और n2 आ गया हमारे पास, नीचे के डायरेक्शन में mg लग रहा था, तो मैंने क्या किया था, टॉर्क टॉ is equals to I into alpha is equals to R perpendicular, ये R into F था हमारे पास। तो R हमारे पास कितना था, ये L by 2 था, length हम लोगों ने L मानी थी, तो L by 2 into force कितना था बेटा, M into G के बराबर। तो alpha कितना आएगा, अच्छा I about this point, this is the axis of rotation, तो moment of inertia कितना लेंगे, M L square by 3 is equals to L by 2 into mg, L or M, और एक L से एक M ये कट गया हमारे पास, तो हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया अल्फा इज इक्वल्स टू 3G बाय ट्वाइस ऑफ L, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। तो अल्फा आ गया हमारे पास, तो सवाल यही पूछा हुआ था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन द रॉड इज रिलीज, तो अल्फा आ गया एज वेल एज फाइंड द N1 एंड N2। अब सोचें N1 और N2 में, तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी, N2 की वैल्यू बेटा 0 आएगी। क्यों आएगी 0, because there is no other force acting along the horizontal direction and hence n2 की value कितनी आ गई, 0। simple concept है। n1 की अगर मैं बात करता हूं तो नीचे के direction में mg लग रहा था, ऊपर के direction में n1 लग रहा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम लोगों ने center of mass के concept सीखे थे, ठीक है, तो हम लोगों ने f is equals to कहा था कि f बराबर ma is in this equation, basically acceleration किसकी होती है, center of mass की होती है। अब ये कैसे निकाला था, तो center of mass वाले concept हम लोगों ने सीखा था कि a center of mass is equal to m1a1 plus m2a2 up till mn an divided by m1 plus m2 up till mn। तो हम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ था कि a center of mass vector is equals to m1a1 plus m2a2 plus up till mn an divided by m1 plus m2 up till mn। तो मैं m1 plus m2 up till mn को total mass m लिख रहा हूं, तो m into a center of mass, तो m into a center of mass which I also call as the net force is equal to m1 a1 से लेके plus dot 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 से लेके mn और an। हमारे काम का नहीं, दिमाग में इस चीज को रखे फिलहाल के लिए। अब देखें f net में
एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास बनता है या एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास की होती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अल्फा तो तुम्हारे पास आ गया, यहां पे तुमने रॉड को जस्ट रिलीज करा था, तो सवाल में पूछा है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, ठीक है, व्हेन इट इज जस्ट रिलीज्ड एंड आल्सो फाइंड द हिंज फोर्सेस। तो प्रॉब्लम क्या है कि रेडियल एक्सेलरेशन व्हेन द रॉड इज जस्ट रिलीज, रेडियल एक्सेलरेशन व्हेन द रॉड इज जस्ट रिलीज्ड, फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, आंसर आएगा जीरो। क्यों? क्योंकि व्हेन द रॉड इज जस्ट रिलीज दैट मींस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज जीरो एंड हेंस देयर इज नो रेडियल एक्सेलरेशन। मैं एक बात रिपीट कर देता हूं, आगे इसी का थोड़ा सा डिफरेंट वे करवाऊंगा क्वेश्चन का। तो इसमें जस्ट रिलीज्ड पूछा है और जस्ट रिलीज्ड पे ये पूछा है कि बताओ n1 n2 क्या है और बताओ अल्फा क्या है, ऐसे पूछा हुआ है सवाल में। लेकिन अगर मान लो ऐसे बोल दिया, रॉड को यहां से रिलीज करा, रॉड ऐसे थी, रॉड ऐसे हो गई, तो व्हेन द रॉड इज रिलीज्ड एंड बिकम्स वर्टिकल, तो बताओ n1 n2 क्या होंगे, तो n2 का आंसर जीरो नहीं आएगा। कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा वो मेरी प्रॉब्लम है, वो तुम छोड़ दो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो। रिलीज्ड वाली कंडीशन पे पूछा है n1 n2 क्या आएंगे, तो जब रिलीज करा या जस्ट रिलीज करा तो n2 कितना आएगा, जीरो आएगा। लेकिन रिलीज करने के बाद अगर रॉड वर्टिकल हो गई, ऐसे थी ऐसे हो गई, और बोलता है कि इस कंडीशन में बताओ n1 क्या n2 क्या होगा या n1 क्या होगा, तो कम से कम n2 जीरो नहीं आएगा। वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे बनता है क्या बनता है, ठीक है। रैंडम कंडीशंस पे भी देखेंगे, कोई रैंडम एंगल बना के देखेंगे, वहां पे n1 n2 क्या बनेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन जीरो आएगा क्योंकि वेलोसिटी इनिशियली हमारे पास जीरो थी। अच्छा भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी आएगी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती क्या है बेटा, आर इंटू अल्फा, ठीक है। तो आर कितना लेंगे, तो आर आप लेंगे एल बाई टू। क्यों लेंगे एल बाई टू, आर वो पॉइंट होता है, सॉरी वो रेडियस होता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स तक लगे। तो फोर्स कहां लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे या सेंटर पे, ठीक है। तो जहां तक फोर्स या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट तक फोर्स लगता है उतना पॉइंट तुम्हारा रेडियस होगा, ठीक है। तो आर इंटू अल्फा बन गया, अब एल बाई टू हमारा आर बन गया इंटू अल्फा, तो अल्फा कितना है 3g बाई 2l। अब मेरी बात ध्यान से सुने, 3g बाय 2l, f बराबर mm में a होता है सेंटर ऑफ मास का, ये हम लोग जानते हैं इस वाली कंडीशन से, ठीक है। राइट नाउ यही एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होगी, इस बात का दिमाग में रखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत बन जाएगा। खैर, तो l से l कैंसिल हो गया हमारे पास और बस, तो at इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3 इनटू g बाय 4। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुने, नेट फोर्स ma में, नेट फोर्स ma में a जो होता है वो सेंटर ऑफ मास का होता है। हमारे इस वाले क्वेश्चन में at itself is acting as the acceleration of the center of mass because ar is zero and hence now if I want to calculate n1 तो मेरे पास डेटा बनेगा, नीचे की डायरेक्शन में m into g लग रहा था माइनस ऊपर के डायरेक्शन में n into n1 लग रहा था, सॉरी इज इक्वल टू m into a सेंटर ऑफ मास होता है क्योंकि नेट फोर्स में हमेशा ma लिखा जाता है, नेट फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमें पता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स ऑलवेज इक्वल टू ma में a कौन सा है, a टेंजेंशियल है, तो m into कितना बनेगा हमारे पास 3g by 4, ठीक है। तो हमारे पास यहां से n1 is equal to ये इधर, तो n1 का आपके पास आंसर आएगा m into g by 4। So these are the answers of n1, n2 and alpha when the rod is just released। जैसे हम आप लोगों ने रॉड को जस्ट रिलीज करा तो n1, n2 के और अल्फा के आंसर्स ये बनेंगे। अब मेरी बात सुनेंगे आगे ध्यान से, अब मैं एक और डिस्कशन करने जा रहा हूं पहले, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो डिस्कशन अब किस चीज का चल रहा है, अभी तक हम लोगों ने बात करी थी अल्फा की, ठीक है। अल्फा में मैं एक दो बातें फिर से रिपीट करना चाहता हूं, प्लीज सुनेंगे ध्यान से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस पैटर्न के न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो आते हैं, दिमाग में रखें इस चीज को। मैं ये बोल रहा हूं आपको, अगर अल्फा पूछा जाएगा तो स्टेप नंबर वन आपको दिमाग में क्या रखना है, टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लगाना है। राइट नाउ हमारे सिस्टम में कोई और फोर्स नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने सीधा आर इंटू या एल बाई टू इंटू एम जी कर दिया था, कोई और फोर्स लगेगा तो वो काम में लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को और क्या पूछा था, जैसे रिलीज करा तो अल्फा बताओ, जैसे रिलीज करा तो हिंज फोर्सेस बताओ। तो मैंने क्या बोला, हिंज फोर्सेस हमेशा कैसे लेने हैं, एटी और एआर के अलोंग लेने हैं, मतलब एआर इधर लग रहा है, एटी इधर लग रहा है, एमजी इधर लग रहा है, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में या एमजी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एन वन आएगा और एआर के डायरेक्शन में एन टू आएगा। ऑब्वियस बात है, नॉर्मल रिएक्शन के जैसे फोर्सेस है हमारे पास ही।
नाउ टॉर्क के इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, में जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लेते हो उसी एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना, ये बात दिमाग में रखनी है। एफ बराबर एम में ए सेंटर ऑफ मास होता है, यहाँ पे जस्ट रिलीज था इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इसलिए ए आर हमारे पास जीरो आया, ए आर हमारे पास जीरो आया, तो जो हमारा ए नेट है वो खुद ही किसके बराबर हो जाएगा, ए टी के बराबर हो जाएगा। तो ए टी हमारा कितना आया, तो ए टी इज इक्वल टू आर इन टू अल्फा निकाला, आर किसका लेंगे तो सेंटर ऑफ मास, सॉरी उस पॉइंट तक का लेंगे रेडियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट तक पे फोर्स लग रहा है, तो आर इज इक्वल टू कितना है, एल बाई टू इंटू अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, पुट कर दी हम लोगों ने, ए टी आगे, ए टी कौन है, ए सेंटर ऑफ मास, तो एम जी नीचे लग रहा था, रॉड नीचे आ रही थी, डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा है, एम जी, ऊपर कौन सा है, एन वन, तो एम जी माइनस एन वन इज इक्वल टू एम ए। y एक्सिस की एक्सेलरेशन कितनी है, 80, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स, तो लिख दी मैंने m into 80, this is our 80, यहां से हमारे पास n1 आ गया। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, हम लगाना सीखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो हम लोग जानते क्या थे, हम लोगों ने क्या सीखा था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सॉरी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें तीन चार टाइप के फोर्सेस आते थे, वो सारी कहानी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं इसमें फालतू बातें नहीं कर रहा हूं अभी। अब देखें सुने, मान लीजिए आपके पास एक कोई रैंडम आर्बिटरी शेप की बॉडी है ये, इस तरीके से, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे, आपने बॉडी को इस तरीके से घुमाया, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बॉडी का जो टोटल मास है वो मैं एम मान के चल रहा हूं, और इसके अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें से जो पहला पार्टिकल है जिसका मास m1 है वो r1 दूरी पे है, फिर एक और पार्टिकल है, ठीक है, और वो m2 है और वो r2 दूरी पे है, वैसे यहां पे हमारे पास तीसरा पार्टिकल है m3 और वो r3 दूरी पे है, वैसे यहां पे हमारे पास rnth के डिस्टेंस पे mnth मास है। सो m1 से लेके mn को ऐड करेंगे तो m बन जाएगा हमारे पास, एंड ऑल एज वी कैन सी कि ऑल दीस डिस्टेंसेस आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, the axis of rotation, तो axis of rotation से सारे distances हमारे पास कैसे perpendicular, हम लोगों ने इसको omega के angular velocity से घुमाया, circular motion में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं v is equal to r into omega होता है, ठीक है, magnitude wise again speaking, तो अगर मैं kinetic energy लिखता हूँ, तो kinetic energy of the system अगर मैं लिखने जा रहा हूँ, system, तो मेरे को क्या लिखना चाहिए, half m1 v1 square plus half m2 v2 square plus dot 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 plus half mn vn square, ये हमारे पास values बनेगी, ठीक है, तो kinetic energy जो बनेगी वो क्या बनेगी, half, ठीक है, and m1 into v1, तो v1 कितना बनेगा बेटा, r1 into omega square, omega 1 square नहीं आएगा, omega square आएगा, ठीक है, plus half m2 into, अच्छा square r1 square भी आएगा, तो r2 square into omega square, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस हाफ एम एन आर एन स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अब यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर बाय टू कॉमन आ सकता है मेरे पास, तो मैंने हाफ लिखा, मैंने लिखा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस प्लस एम एन आर एन स्क्वायर का सॉरी इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है क्या है, तो बिना किसी इशू के वी कैन क्रिएट अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, भाई m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर होता क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास में मत पहुंच जाना, m1 r1 प्लस m2 r2 पर mn rn नहीं बोल रहा हूं, स्क्वायर बोल रहा हूं साथ में, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जनरेट हो गई कितनी, हाफ आई इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए वर्क डन, मेरे को लगाना क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो उसमें मेरे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी, और मेरी चीजें कैसे रोटेट कर रही, मतलब चीजें कैसा मोशन परफॉर्म कर रही, रोटेशनल, तो मेरे को पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए, तो ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं डिस्कशन एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, तो ये हमारे पास एक रॉड है मान लीजिए इस तरीके से करके, ठीक है, अगेन ये हमारा पाइवट पॉइंट है या हिंज पॉइंट है या फिक्स पॉइंट है जो मानना है, मान लीजिए से दिस इज पॉइंट ए, रॉड का जो मास है वो मैं m मान के चल रहा हूँ, रॉड का जो लेंथ है वो मैं l मान के चल रहा हूँ, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, तो नीचे के डायरेक्शन में दैट्स वेरी ऑब्वियस m इनटू g का फोर्स लगेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि रॉड इस तरीके से यहां पे आ गई, मान लीजिए कुछ ऐसा सिस्टम बन गया हमारे पास, तो ये ऐसे पाथ फॉलो करा होगा, तो mg ने ऐसा पाथ फॉलो करा होगा, यस और नो, तो मैं मान के क्या चल रहा हूं कि से दिस इज द इनिशियल कंडीशन
ठीक है, फ्रॉम वेयर द रॉड वॉज रिलीज, तो हम लोगों ने रॉड को यहां से रिलीज करा था, और दिस इज द फाइनल कंडीशन जहां पे रॉड आ गई। तो जैसे ही रॉड वहां से यहां पे आएगी तो पूछ लिया गया कि बताइए रॉड का ओमेगा कितना होगा, इस तरीके से करके हम लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब देखो क्या हुआ, मैं जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, मैं इस वाले लेवल को अपना रेफरेंस लेवल मान के चल रहा हूं। अब रेफरेंस लेवल यहां पे मान के चल रहा हूं मतलब क्या हो गया, मेरे लिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। ठीक है, अब मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोगों को लगवाना सिखाया था, तो यहां पे हो क्या रहा है, ओनली फोर्स एक्टिंग, जैसे मैंने यहां पे बोला था, दी ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज व्हाट एमजी, मैं सेम केस लेके चल रहा हूं, मतलब क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे लेके चल रहा हूं, सो द ओनली फोर्स एक्टिंग इज एमजी, और जो एमजी है या जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किस नेचर का फोर्स है बेटा, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहां पे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ वर्क डन अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस ऑफ डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मैं डेल्टा यू बोला हूं नेगेटिव आएगा तो यू आई माइनस यू एफ हो जाएगा, और यहां पर डेल्टा के है तो डेल्टा के कौन है, के एफ माइनस के आई। खैर, तो यहां से हमारे पास डेटा कैसा बनता है, तो के आई दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस यू आई दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ दैट इज द फाइनल एंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियली आपने क्या करा, रॉड को रिलीज करा है, रिलीज करा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। ठीक है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी, जीरो, क्योंकि यहां से रिलीज करा है, तो ये आपका रेफरेंस लेवल कैसा हो गया, सॉरी रेफरेंस लेवल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। ओनली पोटेंशियल एनर्जी एक्टिंग इज व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यहां पे होगी रॉड, जैसे ही रॉड यहां पे आएगी तो यहां पे रॉड के पास ओमेगा होगा, तो यहां पे रॉड के पास ओमेगा होगा तो आई अबाउट पॉइंट ए इनटू ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट है एक्सेल रोटेशन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, एमएल स्क्वायर बाय 12 में ठोक देना, तो आई ए इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब बात को सुने, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी बनेगी बेटा, रॉड यहां पे थी, इनिशियली रॉड यहां पे थी, रॉड यहां पे आ गई। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का ये जो गैप है ये एल बाई टू है, और यहां से लेके यहां तक का जो गैप है वो भी कितना है, L by 2। अब reference level से नीचे आए तो potentially कैसे आएगी, negative आएगी, तो मेरे पास क्या आएगा, minus of m into g into h, h आएगा L by 2। ठीक है, क्योंकि force ने कितना distance travel करा, L by 2 का, इसको उठा के इधर करो, तो this gives us how much, half I a omega square is m into g into L by 2। ठीक है, एक काम करते हैं, I a को मैं लिख देता हूँ अब कोने के about a rod, ठीक है, rod एक end से connected है, अगर रॉड एक एंड से कनेक्टेड है तो मोमेंट ऑफ इनर्जी हमारे पास आता है m l स्क्वायर बाय 3, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्जी आता है। ठीक है, तो एक m से एक m कटेगा, एक l से एक l कटेगा, और एक 2 से एक 2 कटेगा, तो हमारे पास आएगा ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into g बाय l, व्हिच गिव्स अस ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 into g बाय l। तो इस तरीके से हम लोगों ने ओमेगा निकाल लिया। अब अगर ओमेगा निकाल लिया तो इस जगह पे वो हम लोगों से क्या पूछ सकता है, बताओ रेडियल एक्सेलरेशन कितनी है, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन मैंने क्या सिखाई थी, रेडियल एक्सेलरेशन आपके पास क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर इनटू r। तो इस जगह पे ओमेगा पूछ सकता है, सॉरी इस जगह पे a रेडियल पूछ सकता है, वो a रेडियल यहां पे क्यों पूछ सकता है, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी है, वहां पे वेलोसिटी है ही नहीं तो रेडियल एक्सेलरेशन नहीं बनेगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो ये हमारे पास ओमेगा आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ओमेगा आने के बाद वो आपसे रेडियल एक्सेलरेशन निकलवाएगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन कितनी बनेगी, तो होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू r, तो ओमेगा स्क्वायर मतलब हो गया कितना, तो 3 इनटू g बाय l इनटू कितना, l बाय 2, तो हमारे पास क्या बन गया, ये 3g बाय 2, दिस इज आवर रेडियल एक्सेलरेशन, l से l कैंसिल हो गया हमारे पास, सॉरी 3g बाय 2 इज आवर रेडियल एक्सेलरेशन। अब अगर रेडियल एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास, तो ये हमारे पास रॉड है, मान लीजिए इस तरीके से करके रॉड की ये फाइनल कंडीशन बना रहा हूं मैं इस तरीके से करके। ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा जो फिक्स पॉइंट है। अब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हिंज फोर्स लग रहा था, इस डायरेक्शन में हिंज फोर्स लग रहा था। ठीक है, नाम हमने कैसे लिए, N1 N2, तो ये हम मान लीजिए हम लोगों ने N2 माना, और ये मान लीजिए हम लोगों ने N1 माना। ठीक है, अब ये तुम लोगों ने N2 माना और ये तुम लोगों ने N1 माना। अब इस जगह पे अगर उसने पूछा N1 कितना होगा या हिंज फोर्स कितना होगा, तो कैसे आंसर बनेगा, सोच के देखो,
एन वन ऊपर लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो मेरे पास क्या बनेगा, एन वन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, नाउ दिस इज माई रेडियल एक्सेलरेशन, तो थ्री इंटू जी बाय टू, तो मेरे पास यहां से इधर जाएगा तो ये बनेगा n1 is equals to 3g by 2, so this will give me 5m g by 2. बात को समझना बेटा, right now क्या हो रहा था इस वाले केस में, n1 ऊपर था, mg नीचे था, at नीचे था, n1 कौन से एक्सिस के अलोंग लग रहा है, प्लस y, mg कौन सी एक्सिस के अलोंग लग रहा है, माइनस y, at कौन सी एक्सिस के अलोंग लग रहा है, माइनस y, तो y डायरेक्शन के अगर फोर्सेस कंसीडर करोगे mg और n1 तो y डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन लोगे, ठीक है, और तुम लिखना क्या चाहते हो, नेट फोर्स, अब नेट फोर्स लिखना चाहते हो कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कौन सा था, at था, इसलिए मैंने n1 वाले इक्वेशन में ये लिखा, डोमिनेटिंग फोर्स mg था तो मैंने mg minus n1 equal to ये लिख दिया, उससे मेरे पास आंसर बन गया। रॉड जब मेरे पास घूम के यहां से घूम के यहां आ गई तो ये मेरे पास y एक्सिस हो गया, भाई रॉड y एक्सिस में हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, ये इस पॉइंट पे अगर मैं बात करता, इस पॉइंट पे at जीरो आएगा, कैसे आएगा मैं बताऊंगा, at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पे जीरो आएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये आपका सेंटर ऑफ मास था तो अब तो इस ऊपर की डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा ना बेटा, ऐसे ये रेडियल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस लगाओ, अगर यहां पे तुम्हारा AR जीरो है तो 90 डिग्री के बाद AT ही जीरो होगा ना, ठीक है, 90 डिग्री में वो चेंज होना भी तो चाहिए, ठीक है, हालांकि मैं आपको प्रूफ करके दे दूंगा कि यहां पे AT कैसे जीरो आएगा, मैं आपको प्रॉपर प्रूफ दूंगा, अल्फा का मैं एक डेरिवेशन करूंगा रैंडम एंगल पे, उससे मैं आप लोगों को प्रूफ दूंगा कि हाउ A टेंजेंशियल विल बिकम जीरो, लेकिन अभी के लिए मान के चले कि AT यहां पे जीरो है, अब MG नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, ये आपका MG नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस वाई, एन वन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस वाई, तो ए आर कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस वाई, तो वाई एक्सिस के फोर्सेस को कंसीडर करोगे ना, तो वाई एक्सिस की एक्सेलरेशन कितनी है, ए आर, तो ए आर की वैल्यू मैं पुट करूंगा, तो ए आर की वैल्यू मेरे पास आई थी 3g/2, तो मैंने 3g/2 को पुट करा, ठीक है, तो इस तरीके से करके मैं आप लोगों को कह रहा था कि कभी भी अगर हम लोगों से हिंज फोर्स कोई पूछता है तो इस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेट करना चाहिए। आइए आगे और क्वेश्चन को देखते हैं, आपको थोड़ा और ढंग से समझ में आएगा, इतना नोट कर लीजिएगा एक बार, आगे चलते हैं। अब देखो अगर मैं किसी रैंडम पोजीशन की बात करता हूं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था और मैं अल्फा की बात कर रहा हूं फिलहाल एक बार, उसके बाद देखते हैं आगे, तो एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास एक रॉड है ये, और ये रॉड का फिक्स पॉइंट है, मैं रॉड का जो मास है वो m मान रहा हूं, रॉड का जो लेंथ है वो l मान रहा हूं अभी के लिए, और ये फिक्स पॉइंट है, से दिस फिक्स पॉइंट इज पॉइंट a वेयर फ्रॉम वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग, ठीक है, AOR मान लीजिए यहां पे या a मान लीजिए जैसे आपको सूट होता है। सवाल में कह दिया गया कि व्हेन द रॉड इज एट सम रैंडम एंगल थीटा, सो रॉड जो है जब किसी रैंडम एंगल थीटा पे है तब बताइए रॉड का अल्फा कितना है, ठीक है, इस तरीके से करके, तो रॉड इज मेकिंग अ पाथ लाइक दिस, ठीक है, और कह दिया गया कि रॉड का अल्फा कितना है, तो रॉड को हमने यहां से रिलीज किया है, ठीक है, रिलीज्ड, और अल्फा हम लोगों से पूछा है एट दिस लोकेशन थीटा, द रॉड इज रिलीज्ड, मास m, लेंथ l, एंगल इज थीटा, ओके फाइन। अब अगर मैं बात करता हूं तो देखें क्या बनेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे विच इज बेसिकली द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, लेंथ इज l, तो यहां से लेके यहां तक का गैप कितना होगा बेटा, l बाई टू, ठीक है, अब वर्टिकली डाउनवर्ड यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, mg, mg के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा होगा, यस और नो, ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है, अब ये एंगल थीटा होगा तो ये कंपोनेंट फोर्स का कितना होगा, m
जी कोसाइन थीटा, ये कंपोनेंट कितना होगा एम जी साइन थीटा, इजी इनफ। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोगों ने लिखा टॉर्क टॉ अबाउट पॉइंट ए इज आई अबाउट पॉइंट ए इनटू अल्फा इज इक्वल टू आर इनटू एफ, या आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। अब आई अबाउट पॉइंट ए ऑफ रॉड तो हमारे पास आएगा एम एल स्क्वायर बाय थ्री इनटू अल्फा, जो कि हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। तो एल बाय टू मेरा आर परपेंडिकुलर होगा एम जी कॉस थीटा के लिए। ठीक है, तो मैंने लिखा एल बाय टू इनटू दैट इज एल बाय टू इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ इज एम जी कॉस थीटा। mg sin थीटा का कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि r वेक्टर भी ऐसे आएगा, mg sin थीटा भी ऐसे है, तो mg sin थीटा का टॉर्क जीरो बनेगा बिकॉज एंगल बिटवीन mg sin थीटा एंड f इज सॉरी एंगल बिटवीन mg sin थीटा एंड r वेक्टर इज जीरो। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। अब एक l से एक l कैंसिल हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू आपका आ गया 3g cosine थीटा बाय 2 इनटू l, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, अब यहां से सोच के देखो। अच्छा एक सेकंड और, अब तुम्हें पता क्या है, सिंस at इज इक्वल टू क्या होता है r इनटू अल्फा, तो लिख दो at इज इक्वल टू बन गया 3g r। ठीक है, r को लिख देना कितना l by 2, l by 2 लिखोगे तो l by 2 यहां पे जब आएगा 3g इनटू तो एक कैंसिल करेगा तो 3g cos थीटा by 4, इस तरीके से करके तुम्हारे पास डेटा बनता। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, रॉड इस लोकेशन से तुमने रिलीज करी है, रॉड ऐसे थी, रॉड ऐसे होती जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा मेजर कर रहे हो, तो थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर करते हुए तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है बेटा कॉस थीटा की वैल्यू तो डिक्रीज होती है, 0 से 90 में, 0 से 1 और 1 से 0। ठीक है, मतलब 0 से 1 इज साइन एंड 1 से 0 इज कॉस। सो एज थीटा इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा डिक्रीजेस एंड हेंस अल्फा डिक्रीजेस, तो एट वर्टिकल पोजीशन अल्फा बिकम जीरो बिकॉज थीटा बिकम्स 90, कॉस 90 इज अ जीरो एंड हेंस एटी बिकम्स जीरो बिकॉज एटी क्या होता है आर इनटू अल्फा, अल्फा आपका अगर 90 डिग्री वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे अगर हम बात कर रहे हैं, रॉड यहां से यहां पे आया और इस वाली पोजीशन पे बात करेंगे तो एटी आपका जीरो आ गया, मैंने आपको बोला ही था यहां पे AR जीरो है तो यहां पे एटी को जीरो होना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से करके आपका AT जीरो हो गया। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कई बार, तो अब क्या हुआ, ये आप डेटा चाहे तो सीधा याद रख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो याद रख लीजिए, चाहे तो डिराइव कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, कि अगर आपको अल्फा ने किसी भी रैंडम पोजीशन का दिया हो, अब मान लो क्या हुआ, वो आपको कह देगा कि भाई 37 डिग्री पे बता दो अल्फा कितना हुआ, तो थीटा की वैल्यू सीधी यहां पे 37 भर दो, बशर्ते मास एन में लेंथ ले, वो थोड़ा दिमाग में रखना लेंथ क्या दी हुई है क्या नहीं दी हुई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज को देखें, अगर मैं इसी में आप लोगों से कह दूं कि रॉड को यहां से रिलीज करा गया और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा कैसे निकल के आएगा देखें जरा ध्यान से, डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा एक बार और। तो ये हमारे पास रॉड है, मान लीजिए इस तरीके से करके, ऐसे रॉड यहां यहीं से फिक्स्ड है, यही पॉइंट हमारा ए है, रॉड का मास एम है, रॉड का लेंथ एल है, और किसी रैंडम पोजीशन पे जो रॉड है वो आ चुकी है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से करके, और रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये पाथ फॉलो कर रहा है ऐसे। ठीक है, रॉड की जो एक्सेस है वो ये है, और यहां पे रॉड की इनिशियल कंडीशन में एक्सेस ऐसे थी। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगेन mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, मैं कंपोनेंट्स नहीं बना रहा हूं, आप कंपोनेंट चाहे तो सेम उठा के यहां पे बना सकते हैं। ये एंगल आपको दिया कितना है थीटा, आप लोगों से पूछा क्या है ओमेगा। ठीक है, और किया क्या है, तो रॉड को हमने यहां पे रिलीज्ड किया है, इस तरीके से हम लोगों को दिया हुआ। अब ये यहां से लेके यहां तक जो सेंटर ऑफ मास, ये कितना है आपका L by 2, तो सेंटर ऑफ मास ने या जो mg फोर्स है उसने ये हाइट कवर अप करी है, राइट। अब अगर ये L by 2 है, ये L by 2 है, तो ये कितना होगा भाई, ये वर्टिकल हो गया तो थीटा के सामने वाला है, तो ये कितना बनेगा L by 2 into sin थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपका L by 2 है, ध्यान रखिएगा, ये बन गया हमारे पास। अच्छा, नाउ अगेन व्हाट, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर मैं लगा देता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम,
तो मैं लिख देता हूं अगेन के आई प्लस यू आई इज के एफ प्लस यू एफ, ठीक है। द ओनली फोर्स एक्टिंग इज द कंजर्वेटिव फोर्स एम जी, जैसे मैंने यहां पे बात करी थी, ठीक है। अब इनिशियली के आई कितना है आपका, जीरो। यू आई कितना है आपका, जीरो। अगेन मैं इसी लेवल को रेफरेंस लेवल मान के चल रहा हूं, रेफरेंस लेवल मेरा यहीं पे है, मतलब मैं ग्रेविटी को या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे जीरो मान के चल रहा हूं। तो इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, हाफ मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट ए इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा मेरे को निकालना है, माइनस कैपिटल एम इंटू जी, द हाइट कवर्ड इज दिस मच ओनली, एम इंटू जी इंटू एच में एच मेरा कितना है, तो एच मेरे पास है एल बाई टू साइन थीटा, तो एल बाई टू इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये उठा के यहां पे कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एम जी एल बाय टू साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम एल स्क्वायर बाय थ्री, दैट इज एक्सेलरेशन, सॉरी मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट पॉइंट ए, इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो एम और एल कैंसिल हो गया, टू से ये टू कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का स्क्वायर आ गया थ्री इंटू जी साइन थीटा, थ्री इंटू जी साइन थीटा बाय एल, एंड हेंस ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ थ्री जी साइन थीटा बाय एल। अब यही कंसेप्ट उठा के ये वाला जो पॉइंट है ये अगर मैं सेम यहां पे लगाना चाहूं, तो एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा इंक्रीजेस सो ओमेगा इंक्रीजेस, ठीक है। अब 90 डिग्री पे जब रॉड आपकी वर्टिकल हो जाएगी इस कंडीशन पे, तो एंगल आपका मैक्स होएगा, दैट इज 90 डिग्री। तो जब रॉड इज बिकमिंग टोटली वर्टिकल, तो रॉड का एंगल अगर 90 हो गया, दैट मींस इस वर्टिकल पोजीशन पे रॉड का ओमेगा मैक्सिमम होगा। कई बार वो पूछ रहा था कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इस तरीके से करके निकल जाएंगे। अब इसी में थोड़ा सा और ध्यान से देखें, ये हमारे पास रॉड है ऐसे इस कंडीशन में, मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पे, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं। ये हमारे पास रॉड है ऐसे इस तरीके से, ये हमारा पाइवट पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल के साथ रॉड ऑलरेडी थीटा एंगल बना चुकी है, ये सेंटर ऑफ मास है रॉड का, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स एम इंटू जी लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एम इंटू जी इंटू साइन थीटा लगेगा, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एम इंटू जी इंटू कोसाइन थीटा। Why? Because this angle was a theta, क्योंकि horizontal के साथ ये angle हमें theta मिल चुका था। अच्छा, rod इस तरीके से आ रही है, अगर rod इस तरीके से आएगी तो radial acceleration इधर लगेगी, tangential acceleration इधर लगेगी, तो हमारे पास जो hinge forces लगेंगे वो एक ऐसे और एक ऐसे, दिमाग में डाल लो एक चीज को, hinge forces हमेशा एक दूसरे के कैसे लेने हैं, perpendicular लेने हैं। मैंने पहले वाले cases में आप लोगों को बोला था, जब भी hinge forces मानेंगे हमेशा एक दूसरे के perpendicular लेंगे। रेडियल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मैंने हिंज फोर्स लिया, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्रिएटेड बाय mg cos थीटा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में n1 लूंगा, ठीक है। तो मैंने दो नॉर्मल रिएक्शन ले लिए, एक n1 और एक n2 या हिंज फोर्सेस ले लिए, ठीक है। नाम से कंफ्यूज मत होना, अगर मैंने पहले वाले केस में और इस वाले केस में n1 n2 अप एंड डाउन कुछ ले लिया हो तो उससे कंफ्यूज ना हो। खैर, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखें ध्यान से, अगर मैं इस कंडीशन पे बात करूंगा तो मेरे को ओमेगा मिल चुका है इसी कंडीशन पे, मेरे को अल्फा मिल चुका है इसी कंडीशन पे, ठीक है। अब अगर मैं कैलकुलेट करता हूं ए टेंजेंशियल, तो ए टेंजेंशियल होता कितना है, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, आर इनटू अल्फा। अगर आर इनटू अल्फा है तो आर कितना बनेगा मेरे पास, एल बाई टू, क्योंकि ये गैप मेरे पास एल बाई टू के बराबर है, एल बाई टू के बराबर है, तो ये मेरे पास आर आ गया, दैट इज एल बाई टू इनटू अल्फा कितना था वो, तो ये अल्फा आ गया हमारे पास थ्री जी कोसाइन कोसाइन थीटा बाय 2l, तो 3g cosine थीटा बाय 2l, तो l से एक l कैंसिल हो गया, तो आपके पास a टेंजेंशियल आ गया 3g cosine थीटा, ओके मैंने वहां शायद निकाल दिया है, 3g cosine थीटा बाय 4, ओके कोई बात नहीं, at आ गया हमारे पास। अब साथ ही साथ अगर मैं a रेडियल निकालना चाहूं, तो a रेडियल कितना होता है बेटा, ओमेगा स्क्वायर इनटू r, तो व्हाट इज ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर इज दिस, तो मेरे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इज 3g साइन थीटा बाय एल इंटू रेडियस इज एल बाय टू, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन आपके पास बनेगा थ्री जी साइन थीटा बाय टू, ये हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर ये हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन आ गया, तो हमें चाहिए क्या, एन वन एन टू के वैल्यूज। अब देखें इस वाले केस में ना तो एन वन जीरो हो पाएगा,
ना एन टू जीरो हो पाएगा, कोई फाइनाइट वैल्यूज निकलेंगी। हालांकि हम लोगों ने पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट करा, मतलब हर जगह थीटा लिया, एल लिया, एम लिया, तो कोई न्यूमेरिकल आंसर तो बन नहीं पाएगा। अब देखें क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन ये है, रेडियल डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में आपका ए आर लगेगा। या मैं यहां बना देता हूं एक बार के लिए आपको समझने के लिए, मैं सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को एक बार यहां बना रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है जो ये है। तो रेडियल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगेगा ऐसे, ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे, तो ये हो गया ए आर, ये हो गया ए टी। आप चाहे तो टेंजेंशियल को यहां पे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन हो गया ब्लैक वाला, ए टी, ठीक है, ए टी, और ये आपका ए आर। तो ए आर आ चुका है, ए टी आ चुका है। अब इस डायरेक्शन में देखिए कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एन वन लग रहा है, एम जी साइन थीटा लग रहा है, और ऐसे देखो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एम जी कॉस थीटा लग रहा है और एन वन लग रहा है। तो ये वैल्यूज जो है, और ये लग कौन से, एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट पे लग रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे। अब मैंने क्या बोला था, एफ नेट में एम एम इनटू ए होता है, और जो ए होता है वो किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का होता है। तो जब तुम ये कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, ए आर वाला लिखोगे। जब तुम ऐसे वाला कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कौन सा वाला लिखोगे, ए टी वाला लिखोगे। ये मैं कहना चाह रहा था। आइए अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है देखते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी एम इंटू जी, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, तो एम इंटू जी इंटू कोसाइन थीटा माइनस एन वन, ठीक है, माइनस एन वन इज इक्वल टू एम इंटू ए टी, एम इंटू ए टी। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी, इस आंसर के रट्टे मत मार लेना, मैं आपको बस करना सिखा रहा हूं। तो एम जी कोसाइन थीटा एन वन, अच्छा सॉरी हमें एन वन निकालना होगा, तो एन वन इज इक्वल टू एम, ए टी कितना है, ओके, तो ए टी हमारे पास है थ्री जी, तो ये बनेगा थ्री एम जी कोसाइन थीटा बाय फोर, ठीक है। एन वन इधर करो, ये इधर करो, कितना बन जाएगा तुम्हारे पास, ये सेवन, तो सेवन एम जी, सॉरी सेवन कैसे बनेगा, एम जी बाय दस, तो ये बनेगा एम जी कोसाइन थीटा बाय फोर इज इक्वल्स टू एन वन, ठीक है, ये आंसर बनेगा हमारे पास। इसके अलावा अगर मैं एन टू की बात करता हूं तो मेरे पास एन टू कैसे लगेगा, एन टू मेरे पास बनेगा एन टू माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, और इज इक्वल्स टू कितना, तो एम इंटू ए रेडियल, तो मेरे पास आएगा एन टू इज इक्वल्स टू एम, ए रेडियल कितना है थ्री जी साइन थीटा, तो थ्री एम जी, सॉरी थ्री एम जी साइन थीटा बाय टू प्लस एम जी साइन थीटा, तो एन टू इज इक्वल टू आ गया फाइव एम जी साइन थीटा बाय टू। इस तरीके से करके हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। सो ये आ गए हमारे पास दोनों हिंज फोर्सेस, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, सवाल में वो आप लोगों को बोलेगा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द हिंज फोर्सेस। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द हिंज फोर्सेस बोलेगा, मतलब आपसे क्या निकलवा दिया उसने, नेट हिंज फोर्स, ठीक है। तो नेट हिंज फोर्स कितना बनेगा, नेट हिंज फोर्स बनेगा एन वन का स्क्वायर प्लस एन टू का स्क्वायर। ये आप लोग खुद करके बना सकते हैं चाहे तो, मतलब मेथड दिमाग में रखें, और कोई खास इसमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज द डेटा अकॉर्डिंग टू मी। आइए अब क्वेश्चंस को देखते हैं, और इतना नोट कर लीजिएगा, एक सेकंड है मुझे बस। अच्छा एक चीज और देखें, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। एक चीज और देखें, सवाल में कई बार वो आप लोगों को क्या करेगा, ओमेगा पूछ लेगा, अल्फा पूछ लेगा, जो भी पूछेगा, लेकिन इट इज नॉट अ नेसेसिटी कि वो हर बार हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज करे। मान लीजिए उसने कहा कि भाई रॉड पहले से, ये फिक्स पॉइंट है इसका रॉड का, ये फिक्स पॉइंट है मान लीजिए रॉड का ऐसे, दिस इज द फिक्स पॉइंट, रॉड इनिशियली इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, रॉड को यहां से रिलीज करा, यहां से रिलीज करा, रॉड नाउ इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट ओमेगा, कैलकुलेट अल्फा, कैलकुलेट द हिंज फोर्स, रूट पटाना, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, सोचो जब तुम ओमेगा निकालोगे, जब तुम ओमेगा निकालोगे तो उस पर्टिकुलर केस में जब यहां से शुरू हुआ 30 डिग्री पे आया, 30 डिग्री से कहां पे आया 60 डिग्री पे आया, तो उस पर्टिकुलर केस में हो सकता है, हो सकता है क्या होगा कि आपका यूआई जो है वो जीरो
नहीं होगा, आपने 30 डिग्री से रिलीज करा था भाई, 30 डिग्री से रिलीज करा मतलब एमजी की कुछ ना कुछ हाइट तो है ना ऑलरेडी वर्टिकली, तो वो कितनी बनेगी एल बाई टू साइन 30, बाद में फाइनल कंडीशन में यूएफ कितना बनेगा, तो यू बाई टू के लिए एच कितना बनेगा एल बाई टू साइन 60। तो इस वाले केस में अगर मैं जो बात कर रहा हूँ राइट नाउ कि रॉड को अगर आपने 30 डिग्री से रिलीज करा है और 60 डिग्री पे आ गया है और बताइए ओमेगा कितना होगा, तो उस वाले केस में आपका यूआई जो है वो जीरो नहीं होगा, उसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन अभी एक बनाता हूं फिर देखते हैं क्या आंसर बनते हैं उसी में। तो मान लीजिए इसी पैटर्न का मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये हॉरिजॉन्टल है हमारे पास इस तरीके से और ये हमारे पास एक रॉड है ऐसे, रॉड ने ये जो एंगल बनाया मान लीजिए 37 डिग्री का बनाया, ठीक है, या 30 डिग्री का बनाया, आपको जो सूट करता 30 डिग्री मान लो, चलो 30 डिग्री मान लो, ठीक है, और मास ऑफ द रॉड इज एम, लेंथ ऑफ द रॉड इज एल, ये हम लोगों को दिया हुआ है, ये हमारा पाइवट पॉइंट है या फिक्स पॉइंट है, हिंज पॉइंट है, आपको जो मानना है मान लीजिए, सवाल में दिया हुआ है, सवाल लिखना होगा तो आप खुद लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ सवाल को। Suppose the rod is released from the position of 30 degree. 30 degree की position से हम लोगों ने rod को release किया हुआ, ठीक है? Then find the values of alpha, that is angular acceleration and the hinge force. Suppose the rod is released from the position of 30 degree, then find the value of alpha, that is angular acceleration and hinge force when the rod makes an angle of 60 degree with the horizontal. तो जब rod यहाँ से 60 degree पे आ जाएगी horizontal के साथ, तो rod का alpha कितना होगा? Rod का अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और हिंज फोर्स कितना कितना होगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। मैं रॉड की दो कंडीशंस बना देता हूं, एक कंडीशन ये थी और अगली जो कंडीशन है वो मैं यहां बना रहा हूं, मतलब रॉड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मैं वो कंडीशन ये अलग से डेवलप कर रहा हूं। ये रॉड ने यहां पे जो एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ वो 60 डिग्री का बनाया, तो हम लोगों से पूछ लिया अल्फा कितना होगा और क्या था हिंज फोर्सेस कितने कितने होंगे, ठीक है, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट आ गया जिसके अबाउट हम लोगों को हिंज फोर्सेस को निकालना है। अब सबसे पहली बात तो ये, इस वाली कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं तो क्या डेटा बनेगा, पहले मेरे को एक एक करके देखना पड़ेगा, आइए मैं देखता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये कि सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, ठीक है, इस एंगल को यहां पे लिख लो 30 डिग्री, हाँ, तो सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। अब अगर सेंटर ऑफ मास यहां पे है तो ये जो हाइट होगी ये एच कहलाएगी हमारे लिए, मैं अगेन रेफरेंस लेवल यहीं पे मान के चल रहा हूं, दिस इज माय रेफरेंस लेवल, इसमें भी रेफरेंस लेवल में यहीं पे लेके चलूंगा, हाँ, तो अब ये जो गैप है ये कितना है एल बाई टू के बराबर है, एल बाई टू, ठीक है, तो एच इज इक्वल टू कितना बोला था मैं अभी एल बाई टू इंटू साइन 30 डिग्री के बराबर बोला था, ठीक है, साइन 30 इज व्हाट अगेन 1 बाई टू, तो एल बाई फोर हो जाएगा हमारे पास। Vertically downwards, the force acting is nothing but m into g, ठीक है, लगाइए। अब क्या हुआ? अगर मैं अल्फा निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, से दिस इज पॉइंट ए, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज आई अबाउट पॉइंट ए इनटू अल्फा इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, तो मेरे पास आएगा टॉर्क दैट इज आई इनटू आई अबाउट पॉइंट ए इज ml स्क्वायर बाय 3, मास कितना मान रहे हैं, ओके, ml स्क्वायर बाय 3, तो बनेगा m l स्क्वायर बाय 3 ml स्क्वायर बाय 3 इनटू अल्फा इज इक्वल्स टू r, तो r इज l बाय 2, r परपेंडिकुलर लिखना है, h मत लिख देना, ये मैंने ओमेगा निकालने के लिए h निकाला था, तो l बाय 2 इनटू f, f कितना मेरे पास ऑब्वियसली m इनटू g, ठीक है, तो यहां से मेरे पास अल्फा का डेटा क्या बन गया, अल्फा में मेरे पास आएगा 3g, राइट, m से m कटेगा l से l कटेगा, तो 3g एंड बस, तो 3g बाय twice of l, this is our alpha, ठीक है, now what, अगर मेरे को at निकालना होता, ठीक है, at का sorry, omega निकालना होता, तो मैं क्या लगाता, ki plus ui is equals to kf plus uf, ठीक है, इस तरीके से करके एक बार alpha निकाल लेंगे, एक बार omega निकाल लेंगे, तो क्या बनेगा देखें, अब ki कितना होगा, आपने यहाँ से इसको क्या किया, release किया, ध्यान रखिएगा 30 degree की position से release किया हुआ, release, ठीक है, तो 60 डिग्री पोजीशन पे ओमेगा कितना होगा, मैं ये निकाल रहा हूँ, इस जगह पे ओमेगा कितना होगा, ऐसे आते हुए ऐसे गोल घूमते हुए ओमेगा कितना होगा, मैं वो निकाल रहा हूँ, तो के आई कितना हो गया 0 माइनस रेफरेंस लेवल से नीचे, तो एम जी इंटू एच, तो मेरे पास बनेगा एम इंटू जी इंटू एल बाई टू साइन 30, दैट इज एल बाई
4 इज इक्वल टू kf, तो kf आएगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर माइनस अगेन रेफरेंस लेवल से नीचे जा रहा हूं, तो अब मेरे पास कितना आएगा, तो m into g into हाइट निकालनी पड़ेगी, तो हाइट इस बार कैसे आएगी, तो ये मेरे पास हाइट आएगी ऐसे, ये अब ये कितना l by 2, ठीक है, तो ये कितना होएगा l by 2 into sin 60, sin 60 कितना होता है root 3 by 2, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा root 3 into l by 4, this is our height, ठीक है, तो यहां से हमारे पास बनेगा half into moment of inertia is m l square by 3 into omega square is equals to mg l by 4 into root 3 minus 1, ये हमारे पास डेटा बनेगा, ठीक है, काट पीट कर लेते हम लोग, ये हमारे पास m ऐसे आएगा इस तरीके से, तो m और l कैंसिल हो जाएगा बस, ठीक है, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 2 से 4 तो ये 2 बन जाएगा, तो ये बनेगा रूट 3 माइनस 1 इंटू जी, राइट, रूट 3 माइनस 1 इंटू जी एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल, और ये 3 भी आएगा, है ना, ये 3 रह गया, तो हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज अवर ओमेगा स्क्वायर, यहां से रूट निकल जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा आपके पास 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 इंटू जी बाय ट्वाइस ऑफ एल का रूट, ये ओमेगा आ गया हमारे पास, अब ओमेगा आ चुका है, अल्फा आ चुका है, तो एटी आ जाएगा, एआर आ जाएगा, एटी एआर आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे हमारे पास, एन1 और एन2, ठीक है, कैसे आएंगे, इस वाली पोजीशन पे बात करूंगा, तो एक फोर्स एन1 और एक फोर्स एन2 ऐसे लगेगा, तो मान लीजिए ये एन1 है आपका और ये आपका एन2 है, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में मैं यहां पे एआर निकाल चुका हूं, रेडियल एक्सीलरेशन कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर होगी, ओमेगा आ चुका है, ओमेगा स्क्वायर आ चुका है, तो इनटू आर होगा, इस डायरेक्शन में कौन लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, तो वो लगेगा mg into sin 60 डिग्री के बराबर, ठीक है, इस डायरेक्शन में कौन लगेगा, तो mg into cos 60 डिग्री के बराबर, और वर्टिकली डाउनवर्ड्स कौन लगेगा, mg, वही इक्वेशंस बन जाएंगे जो यहां पे बनी हुई है आप लोगों के पास, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज आपके पास आंसर्स बन जाएंगे, एक काम और करिएगा, एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा, खुद करके देखिएगा, मान लीजिए इनिशियल एंगल 37 डिग्री का है, ठीक है, आपने 37 डिग्री से रिलीज करा है रॉड को, चलो मैं अभी करके दिखा दूंगा, नहीं तो 37 डिग्री से आपने उन्होंने रॉड को रिलीज करा है और 53 डिग्री पे आपके पास डेटा क्या बनेगा, अल्फा कितना होगा और हिंज फोर्सेस कितने कितने होंगे, ये हम लोगों से पूछ लिया, ठीक है, सेम क्वेश्चन करके देखना, इस एंगल को 30 की बजाय कितना कर दो 37, ऑब्वियसली 3-4-5 एंगल वाला कांसेप्ट से मैं लिंक कर रहा हूं, और ये हमारे पास 53 डिग्री वाला हो जाएगा, तो ये करके देखिएगा एक बार, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं उस चीज का भी, देखें फिर 2-3 पैटर्न चेंज करेंगे, और तो अगर हम लोग 37 डिग्री वाला लगाएं, या 37 डिग्री वाला तुम खुद भी कर सकते हो वैसे, चलो देख लो बता देता हूं, तो सवाल ये दिया है, ये हॉरिजॉन्टल लोकेट पोजीशन है हमारे पास, ठीक है, और चाहे तो एक बार खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर ले, ठीक है, और ये पाइवट पॉइंट है हमारा, ये जो एंगल है ये 37 डिग्री दिया हुआ है हमें, रॉड का मास आपको m मान के चलना, रॉड का लेंथ आपको l मान के चलना, सेम पैटर्न क्वेश्चन का दे रहा हूं, लेकिन वीडियो को पॉज कर एक बार खुद निकालें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, उसने बोला है कि से द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ 37 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड द हिंज फोर्सेस व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, मैं सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज को बस इसमें कन्वर्ट करके पढ़ रहा हूं, ठीक है, वापस है, दो आप लोकेशन बना लीजिए या दो पोजीशंस बना लीजिए, एक बार ये पोजीशन है, एक बार ये पोजीशन है, ऐसे, ठीक है, ये पाइवट पॉइंट है आपका, इस बार ये एंगल कितना हो गया, बाद में फाइनल कंडीशन पे कितना हो गया, 53 डिग्री का हो गया, ठीक है, इसमें रॉड थोड़ी मोटी हो गई है, ठीक है, इस तरीके से करके मान लीजिए, अब क्या होगा, अगर मैं इस पे और इस पे निकालता हूं, तो इस वाली कंडीशन से फाइनल कंडीशन पे जाने के लिए अल्फा और वो सब क्या-क्या बनेगा, एक बार निकाल के देखो, पहले खुद वीडियो पॉज करो, निकाल के देखो, पहले हाइट कैलकुलेट करना, ठीक है, तो ये जो हाइट होगी, ये पहले हाइट कैलकुलेट होगी, ठीक है, और ये क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहां पे है और यहां पे सेंटर ऑफ मास, तो वेट m into g ऐसे, यहां पे भी m into g ऐसे, ठीक है, तो ये आपका बनेगा l by 2
साइन 53 डिग्री, साइन 53 होता 4 बाय 5, राइट, 4 बाय 5, तो ये बनेगा 4L बाय 10, अच्छा, 4L बाय 10, ये बनेगा आपका L बाय 2, साइन 37 डिग्री, साइन 37 हमारा होता है 3 बाय 5, ये आपका बनेगा 3 इंटू एल बाय 10, इसको ऐसे ही रहने देना, सॉल्व मत करना, शायद कैलकुलेशन आसान हो जाए। ओके, तो जब हमने यहां से रिलीज करा और यहां पे लेके आए, ठीक है, तो ओमेगा कितना होगा वो निकाल लेते हैं एक बार। तो ओमेगा निकालने के लिए मैंने क्या लिखा, के आई प्लस यू आई इज के एफ प्लस यू एफ, रेफरेंस लेवल पहले के जैसे मानूंगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रॉड की कितनी होगी बेटा, 0 माइनस ऑफ एम इंटू जी इंटू 3L बाय 10 इज द इनिशियल हाइट, ठीक है, नीचे जा रहे हैं तो पोटेंशियल जी नेगेटिव आएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो वो आएगी हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्जिया रॉड का वापस एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस यू एफ, अब यू एफ कितना आएगा, सॉरी माइनस में आएगा, तो माइनस में कितना आएगा एम इंटू जी इंटू 4L बाय 10, ठीक है, तो ये आएगा 4M जी एल बाय 10, एम यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए, तो ये डेटा बनेगा हमारे पास। यहां से क्या चीजें कैंसल आउट हो रही हैं और क्या चीजें नहीं हो रही है देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एल एम, एम और एल ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है, इस डेटा को उठा के यहाँ पे करो क्या बन रहा है, ये 4G बाई 10 है, प्लस में हो जाएगा इधर आके माइनस 3G बाई 10, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल जी बाई 10, ठीक है, 4G बाई 10 राइट, माइनस 3G बाई 10 इज जी बाई 10 इज इक्वल टू कितना, और ये बनेगा 1 बाय 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, राइट, ओके, तो दिस इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, ओमेगा स्क्वायर आ गया 6G बाय 10 और एक एल, एल स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी एल आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, तो ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 3G बाय 5L, ये हमारे पास ओमेगा बनेगा। अल्फा निकाल लो, ओमेगा बनेगा उसके बाद अल्फा कितना बनेगा, अल्फा के लिए क्या लगाओगे, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, ठीक है, तो टॉर्क टॉ अबाउट पॉइंट ए इज मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट पॉइंट, सॉरी मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट पॉइंट ए इनटू अल्फा इज इक्वल्स टू आर इनटू एफ, ये आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। अब आई कितना लिखोगे, आई तुम लोग लिखोगे एम एल स्क्वायर बाय 3, दैट इज अबाउट पॉइंट ए, अल्फा तो तुम्हें फाइंड ही करना, ठीक है, इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर into f, तो r perpendicular into f में r perpendicular कितना लिखोगे, r perpendicular कितना लिखोगे, l by 2 into 3l by this, right, तो हमारे पास कितना आएगा 3l by 10 into l by 2, ठीक है, sorry into l by 2 क्यों आएगा, l by 2 हमने use कर लिया है, तो into f कितना आएगा, तो mg आएगा, right, ये हमारे पास बनेगा r into f में। तो अब हमारे पास यहां से क्या डेटा बनेगा, m से एक m कैंसिल होएगा, l से एक l कैंसिल होएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 9g, ये 3 into 3 9 हो गया, g हो गया बाय 10l, ये हमारे पास अल्फा आएगा, ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन द रॉड इज रिलीज, यहां पे हम लोगों ने रिलीज करा था इस वाली कंडीशन से, ठीक है, अब अल्फा आ गया, अब अल्फा आ गया, ओमेगा आ गया, तो a टेंजेंशियल कितना बनेगा, तो at तुम्हारे पास बनेगा r into अल्फा, r कितना है l by 2, क्योंकि l by 2 का क्यों ले रहा हूं मैं, ये l by 2 लूंगा, इस बार l by 2 sin 53 l by 2 sin 37 नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि at equal to r into अल्फा में r किस चीज का होता है, पॉइंट ऑफ एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके उस पॉइंट तक को, उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को r बोलते हैं जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा होता है, तो फोर्स बेटा l by 2 पे लग रहा है ना यहां से लेके यहां तक, इसलिए r की वैल्यू l by 2 आएगी। अल्फा कितना है 9g by 10l, तो 9 into g by 10 into l, ये हमारे पास डेटा बनेगा, ठीक है, at का हमारे पास डेटा ये बनेगा, अच्छा ये डेटा बनेगा, तो हमारे पास l से एक l कैंसिल हो गया, तो at बनेगा 9g by 20, ठीक है, और ar कितना बनेगा, हमने ओके फाइन, ar कितना बनेगा, तो ar इज इक्वल टू बनेगा ओमेगा स्क्वायर इनटू r, ओमेगा स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया 3g by 10, सॉरी 3g by 5l, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, काट तो यहां भी सकते हो, ठीक है, 3g by 5l,
तो ये बनेगा मेरे पास 3 इंटू जी बाय 5 इंटू एल इंटू एल बाय 2 एंड हेंस ओमेगा बिकम्स 3g बाय एल से एल कैंसिल सो ओमेगा इज 3g बाय 10 सॉरी ar इज इक्वल टू 3g बाय 10 ये हमारे पास वैल्यूज बन रही है।